जनवरी के एंड में सेबी ने कहा म्यूचुअल फंड हाउसेस से कि आप इंटरनेशनल इक्विटी में अपना निवेश बंद कीजिए क्योंकि जो आपकी लिमिट थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। कयास ये लगाए गए कि ये तुरंत लिमिट बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बात को अब डेढ़ महीने के आसपास हो चुके हैं और इस डेढ़ महीने में बीवेल्दी के पास सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी एक स्कीम पर आए हैं वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये फंड बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्यारा है कई निवेशकों को। रिटर्न इसका काफी कंसिस्टेंट रहा है जब से ये लॉन्च हुआ है और इसका जो पोर्टफोलियो है उसमें 60-65% डोमेस्टिक इक्विटी में होता है और 30-35% एक्सपोजर यहाँ पर इंटरनेशनल इक्विटी का था। अब जब ये लिमिट जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए उसको बढ़ाने पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है तो निवेशकों के मन में ये सवाल कि भाई अब क्या होगा इस फंड का, रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, ये पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करेंगे, और सबसे अहम सवाल कि इस फंड में निवेश अब करें या फिर रोक दें, इंतजार करें लिमिट बढ़ने का। इन सब सवालों के जवाब आज आपको देंगे कौन, पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड के चेयरमैन एंड सीईओ नील पराग पारिक। ये पूरी बात गौर से सुनिए क्योंकि ये आपके डिमांड पर पहली बार वीडियो आई है और अगर आप पूरी बात सुनेंगे समझेंगे तभी आप इस स्कीम से जुड़े अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सही फैसला कर सकेंगे। तो सीधे चलते हैं इस बातचीत की तरफ। थैंक यू सो मच नील आज होली के दिन वक्त निकालने के लिए और आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद स्वाति जी, विश यू द सेम। तो पहले ये बताएं कि जब सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेस से कहा कि भाई फरवरी में ये बात हुई कि अब आप विदेशी इक्विटी में निवेश ना करें, आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, पहला रिएक्शन क्या था? हाँ तो स्वाति जी, तो लास्ट ईयर पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता और निवेशकों और आपके व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आरबीआई इंडस्ट्री वाइड लिमिट सेट करती है, वो है 7 बिलियन जो 2008 में रखी है, तो अभी तक वो चेंज नहीं हुआ है, हुई है। सेबी पर फंड हाउस लिमिट डिसाइड करती है, तो लास्ट ईयर तो 300 मिलियन थी और जब हम क्लोज आ गए थे वो लिमिट टू, तो उन्होंने 600 मिलियन किया और एकदम जल्दी 1 बिलियन किया। तो हमको भी लगा और हमको ऐसे सिग्नल्स आ रहे थे कि जब हम लिमिट के क्लोज टू होंगे या ब्रीच करने वाले होंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी जैसे सेबी ने किया है पर फंड हाउस लिमिट। तो हमको भी थोड़ा शॉक हुआ ऑनेस्टली। आपका रिएक्शन क्या था? शॉक का रिएक्शन था जब हमको वो लेटर मिला फ्राइडे नाइट को, आई नो एंड ऑफ जनवरी फ्राइडे नाइट को हमको लेटर मिला के वी कांट रेमिट और डॉलर्स टू द यूएस और वेर एवर, जहां भी हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करते हैं। पर हमने इंडस्ट्री लोगों के साथ बात की, जो भी सिग्नल्स आ रहे थे कि ये जल्दी हो जाएगा, मतलब ऐसी कुछ दिक्कत नहीं थी कि ये चेंज ना हो जाए या कुछ, क्योंकि 14 इयर्स या 14 साल के बाद ये होना ही था कि जब वो टाइम हमारा इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एकदम 5 लाख करोड़ था, अभी 40 लाख करोड़ है, तो लॉजिकली ये होना चाहिए था। तो हमको लगा ओके, तो हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं कि जो भी अभी है उसको चलने देते हैं, मीन्स एग्जिस्टिंग SIP STP को चलने देते हैं, पर वी विल स्टॉप इनफ्लो फॉर एडिशनल इनफ्लो या एडिशनल SIP, क्योंकि हमने कहा कि वेट एंड वॉच करते हैं क्योंकि ये शायद हो जाएगा, तो हमको इतना भी पैसा वो टाइम नहीं चाहिए था जो हमारा एसेट एलोकेशन को डिस्टॉर्ट करे, इसलिए हमने बंद किया, हमने बोला लेट्स वेट एंड वॉच। और मीडिया में भी रिपोर्ट्स आए थे कि ये तो डबल हो जाएगा लिमिट यार, 25% या 1 बिलियन ये लोग कर लेंगे, एकदम जल्दी होगा, यूनियन बजट में अनाउंस करेंगे यार, MPC पॉलिसी में अनाउंस करेंगे, पर ये सब कुछ नहीं हुआ उस समय। उसके बाद क्या हुआ कि वॉर भी हो गई है रशिया और यूक्रेन के साथ, ऑयल प्राइस ऊपर बढ़ने लगे हैं, रुपी भी डेप्रिसिएट करने लगे और FIIs मनी भी पुल आउट कर रहे हैं इंडिया से। तो फिर हमको सिग्नल मिला लास्ट 2-3 हफ्तों में यार, जब हम बात कर रहे थे सबको कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि एकदम जल्दी से हो जाए, ये शायद टाइम लग सकता है इसके लिए। तो वो टाइम भी हमारे इंडस्ट्री जब हमने बंद किया तो लॉट ऑफ हमारे इन्वेस्टर ने बोला कि क्यों बंद कर रहे हो, क्योंकि हमारा क्योंकि वो प्लेटफॉर्म या जो भी से इन्वेस्ट करते थे उसमें वो स्टॉप हो गया उनका SIP STP, क्योंकि उनका
अलग से कुछ बैकएंड था जहां वो लमसम के जैसे इन्वेस्ट हो सकते होते थे SIP STP ले, तो बहुत दिक्कत हुई थी हमारे इन्वेस्टर्स को. वो इस समय में इंडियन मार्केट्स भी करेक्ट हो गए, वर्ल्ड मार्केट्स करेक्ट हो गए थे, और हमको लगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अभी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. तो ये नाइंसाफी होगी हमारे इन्वेस्टर्स के साथ अगर हम खुले नहीं और ये थोड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट ना करें, यू नो. तो इसलिए ये थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा था कि या थोड़ा शॉकिंग था जब ये आया था कि और हमको लगा कि ये जल्दी हो जाएगा, पर अभी लगता है थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए. और क्यों टाइम लगेगा इसमें? और नील, क्या क्योंकि आप ज्यादा कनेक्टेड हैं रेगुलेटर से और इंडस्ट्री से, तो आपके हिसाब से क्या वजह है कि अभी तक क्यों नहीं बढ़ाई गई ये लिमिट? या तो ऑब्वियसली एक महीने में वर्ल्ड हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन इन दैट सेंस, यू नो, कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई है वर्ल्ड में. ये बॉटलनेक्स हो सकते हैं, FIIs भी पुल आउट कर रहे हैं, रुपी भी डेप्रिसिएट हो रहा है, ऑयल प्राइस भी 100 के ऊपर गए थे, 130 तक गए थे. तो जो अर्ली फेब्रुवरी में उन्होंने इंक्रीज लिमिट नहीं किए, तो एक महीने के बाद जब ये एक्चुअली जो मैक्रो इकोनॉमिक एक्चुअली थोड़ा खराब हो गया, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली हो जाएगा. ये टेम्पररी है, आई थिंक ये टेम्पररी है, पर हमें लगा कि ये टेम्पररी मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, पर अभी हो सकता है थोड़े महीने भी लग सकते हैं. इसको आई मीन ये सब मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ मालूम नहीं, थोड़े महीने लगेंगे या साल लगेंगे, होगा नहीं होगा, कितने तक होगा, हमें भी कुछ नहीं पता है, पर मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली हो जाएगा अभी. ओके, सो इमीडिएटली ना होने की गुंजाइश ज्यादा है आपको लगता है इस वक्त? मुझे लगता है, यस. और मैं इसके इस लाइन के का फॉलो अप क्वेश्चन थोड़ा लेट से करती हूँ, लेकिन उसके पहले क्विकली बताएं आप मुझे कि बीचे आपने ऑलमोस्ट एक महीने तक बंद रखा होगा ये, आपने बंद किया था फ्रेश लमसम अमाउंट आप नहीं ले रहे थे, नई SIP रजिस्ट्रेशन आपने बंद कर दी थी, लेकिन जो ऑनगोइंग SIP थी वो चालू थी. यस, यस. और इन बीते एक डेढ़ महीने में आप लोगों ने आई एम श्योर कि कई ऑप्शंस एक्सप्लोर किए होंगे कि कैसे इसको अब काम करवाया जाएगा इस फंड के साथ, कैसे कैसे ट्रीट किया जाए, क्या क्या ऑप्शन आप लोगों ने एक्सप्लोर किए? तो स्वाति जी, एक्चुअली कपल ऑफ ऑप्शन हमने एक्सप्लोर किए हैं, और एक्चुअली एक जो हमको फीडबैक मिल रहा था कि आप इंडिया स्पेसिफिक फंड चालू करो, नया NFO लाओ, फोकस फंड या जो भी है, जो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो हमने सोचा, हमने ये सोचा और हमने देखा कि हमारे पास एक टैक्स सेवर फंड भी है जो 3 years अभी कंप्लीट करेगा और ट्रैक रिकॉर्ड का, यू नो, और वो फुल इंडियन एक्सपोजर ही है. ऑब्वियसली उसमें 3 year लॉक इन है, जो लोगों को शायद, थोड़े लोगों को वो शायद अच्छा नहीं लगता है कि 3 year लॉक इन हो जाता है आपका पैसा. पर हमने सोचा अगर हम नया भी फंड लाए तो वो एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, और हमारा पहले से ही वही फंडा है कि देखिए हमारा एकदम फोकस प्रोडक्ट बास्केट होगा. अगर 2-3 फंड एक जैसे लगने लगे तो उसमें मजा ही नहीं है, और हम और इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ये कंफ्यूज कर लेता है उनको कि मैं कहाँ रखूँ अगर दोनों ही सेम ही फंड है. तो वो नया फंड तो हमने इमीडिएटली वी डिस्कार्डेड इट, क्योंकि हमने लगा कि ये टैक्स सेवर ही है. तो अभी भी जो भी हमारे लिए हमको जो आता है, जो पूछता है कि हमको इंडिया स्पेसिफिक फंड का चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं कि ये टैक्स सेवर फंड ही बेहतर रहेगा. एट द सेम टाइम हमने फ्लेक्सी कैप भी खुला है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को भी थोड़ी दिक्कत दे रही थी, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म या कैंप से नहीं आते हैं तो उनका वो इन्वेस्टमेंट ही स्टॉप हो जाता है. तो उनको इन्वेस्ट करना था हमारे जहाँ से और दूसरा पॉइंट है कि हमने सोचा ऐसा है, तो अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी की लिमिट खुल जाए, और इतनी भी बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी अमाउंट होती है, तो मुझे लगा बिकॉज ऑफ स्कैसिटी ये बहुत लोग उस पर चढ़ जाएंगे और वो लिमिट इमीडिएटली एग्जॉस्ट हो सकती है. अभी अगर हमारा फंड बंद है तो उसको चालू करने के लिए ऐसा ही नहीं एक स्विच दबाया और वो इमीडिएटली चालू होता है, वो हमको परमिशन लेनी पड़ती है डायरेक्टर्स ट्रस्टीज की, हमको कैंप्स को 2 दिन एडवांस नोटिस देनी पड़ती है, हमको बैक एंड प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम करना चाहे, तो ये 4-5 दिन का प्रोसेस होता है अगर
स्कीम वापस खुलवाने की है। तो हमने सोचा कि ऐसे ऐसे में 4-5 दिन भी काफी लंबे हो जाते हैं और वो अगर छोटी लिमिट है तो वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो लेट्स कीप द स्कीम ओपन नाउ। एंड क्योंकि इंडियन मार्केट में भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेशनल स्टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग 30% इन्वेस्टमेंट है वो 30% वो एब्सोल्यूट टर्म में रहेगा ही, तो वो इंटरनेशनल मार्केट क्या भी लाभ इन्वेस्टर्स को देगा, पर ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल मनी जो होगा वो इंडियन मार्केट्स में। अभी आपका 20,000 करोड़ के आसपास AUM है, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर का परसेंटेज है वो कम होता चला जाएगा। जी या सही है या एक चीज जो इन्वेस्टर्स के जहन में है और इन्होंने पढ़ी है ये सब चीजें और अपने रिटर्न में देखा है, वो ये कि फंड की जो यूएस होल्डिंग, यूएस स्टॉक्स की होल्डिंग है, वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहा है उसके स्ट्रांग परफॉर्मेंस में, और जब उसका परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन कम होता है तो डर सबके मन में एक ही है कि भाई रिटर्न पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैम ये एक्चुअली इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जो मदद करती है वो पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी को कम करती है, मतलब अगर डिमोनेटाइजेशन अगर इंडिया में हुआ है लाइक इन 2016-17 जब भी, तो इंडियन मार्केट्स नीचे गए हैं और वो इंटरनेशनल इन्वेस्ट या इंटरनेशनल स्टॉक्स को इतना अफेक्ट नहीं करते है और वाइस वर्सा। तो ओवर टाइम हमने देखा है कि देर आर पीरियड्स के यूएस मार्केट्स हैव आउट परफॉर्म इंडिया, और इंडियन कोई बार इंडियन मार्केट्स हैव आउट परफॉर्म यूएस, मतलब 2000 जब हमने स्कीम खोला 2012-13 में, तो उसके बाद वो इलेक्शंस भी हुए थे जहां बीजेपी की सरकार आई, तो उसमें इंडियन मार्केट्स बहुत ऊपर गए थे और यूएस मार्केट्स इतने नहीं गए थे। और लास्ट 1-2 साल में ऑब्वियसली यूएस मार्केट थोड़े ऊपर ज्यादा गए हैं इंडियन मार्केट एंड स्पेशली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा डिफरेंस मिलेगा कि ओ वाओ दिस यूएस मार्केट हैज आउट परफॉर्म्ड इंडिया या इंडिया ने आउट परफॉर्म किया, पर अगर आप लंबे समय पे देखते हैं अबाउट अ 10-year होराइजन तो एक्चुअली रिटर्न्स वुड बी अराउंड द सेम ही होगा, 1% अप डाउन होगा। पर हमारे लिए अगर हम इंटरनली हमने देखा है कि वो दोनों पोर्टफोलियो ने ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिटर्न्स दिए हैं, तो वो एक्चुअली गलत फैमिली है कि यूएस के लिए ही हमारा फंड चला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज बाइंग गुड बिजनेसेस एट रीजनेबल वैल्यूएशन, जो इंडिया में भी सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल में भी, तो मुझे नहीं लगता है इसमें इतना फर्क आएगा। ओके ऑल राइट, मोटे तौर पे जो मेरे सवाल थे आपने उसका जवाब दे दिया है। मेरे जो सब्सक्राइबर के सवाल हैं एक एक करके, और शायद आपको जवाब रिपीट करना पड़े कहीं कहीं पर सवाल रिपीट होंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं सब सवाल ले लूं उनके। एक सवाल है श्रीधर बदगल जी का कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और पीपी पराग पारिक टैक्स सेवर, अब दोनों का ऑलमोस्ट सेम पोर्टफोलियो है, तो अगर दोनों में निवेश कर रहे हैं तो क्या एक में बंद कर देना चाहिए? दोनों में डिफरेंस यही है कि फ्लेक्सी कैप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ा मतलब 30% तो अभी के लिए 30% आपको उसका भी फायदा मिल सकता है इंटरनेशनल स्टॉक्स का। अगर आपको प्योर इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड चाहिए तो टैक्स सेवर सबसे बढ़िया रहेगा, जहां आपको 100% इंडियन इक्विटी का फायदा होगा। इंक्रीमेंटली दोनों में अबाउट सेम ही स्टॉक्स ले, वी विल बाय द सेम काइंड ऑफ स्टॉक्स या इंडियन स्टॉक्स ही वी विल बाय, तो इंक्रीमेंटली अगर पैसा डाल रहे हो तो एक्चुअली इनडिफरेंट है हम जहां भी डालो, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर इन्वेस्टमेंट ही होने वाले हैं। कुशाल जैन का भी सवाल, पहला सवाल यही था, दूसरा पार्ट उनके सवाल का ये है कि अगर सेबी कंटिन्यू करता है ये रिस्ट्रिक्शन के साथ तो ये फंड परफॉर्मेंस पे कैसे इम्पैक्ट इसका आएगा, और इसको ओवरकम करने के लिए क्या पराग पारिक नए NFO या फिर जैसे FOF काइंड ऑफ थिंग लेकर आने की सोच रहा है? तो पहली चीज ये एक्चुअली सेबी का डिसीजन नहीं है, ये RBI का डिसीजन है जो 7 billion का जो इंडस्ट्री लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए, तो ये RBI का फर्स्ट ऑफ ऑल RBI का डिसीजन है। सेबी एक्चुअली ने लास्ट ईयर 2 times चेंज किया है लिमिट्स पर फंड हाउस, मैंने जो कहा था 300 मिलियन टू 600 मिलियन 600 मिलियन टू 1 billion, इसलिए हमको लगा कि RBI भी वही ऐसे ही चेंज कर लेंगे जब हम नियर आते, तो खैर वो तो RBI का जब वो करेंगे वो करेंगे, वो तो हमें किसी को पता नहीं कब होगा वो।
तो मुझे नहीं लगता है हम दूसरा एनएफओ या ईटीएफ या फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट अभी करेंगे, या वो प्लान्स नहीं है। अगर प्लान होता तो एक इंडियन स्पेसिफिक डोमेस्टिक फंड शायद लॉन्च कर लेते, पर हमें वो नहीं लगा कि वो एग्जैक्ट रेप्लिका होगा अपने टैक्स सेवर के लिए। तो अभी के लिए कोई न्यू फंड ऑफर्स नहीं है। अगेन मैं वही बोलना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये परमिनेंट होगा, ये जो ओवरसीज लिमिट है। तो 2 महीने लगेंगे, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, मुझे पता नहीं है कब ये होगा, पर मुझे लगता है कभी ना कभी ये लिमिट डेफिनेटली इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगी, वो लॉजिकल स्टेप है। तो जो इंटरिम में हम करेंगे वो सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में करेंगे, और बेसिकली स्टॉक परफॉर्मेंस या फंड परफॉर्मेंस विल डिपेंड ऑन अगर हमने सही बिजनेस चूज किए और सही वैल्यूएशन पे लिए है, वही आगे जाके वो देखेंगे। आइदर जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हो या इंडियन स्टॉक्स हो, मुझे लगता है अगर अच्छे बिजनेसेस एट गुड वैल्यूएशन लिए तो ओवर टाइम वो उसका फायदा जरूर होगा। अच्छा, ये बताए नहीं कि अभी जो एग्जिस्टिंग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मैंडेट नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं 99% श्योर हुआ, एक्चुअली 100% नहीं हूँ, मुझे भी ये देखना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक मुझे के पता नहीं क्यों लगा कि अभी कुछ देर पहले जब मैं बैठ के पढ़ रही थी तो कहीं अब मुझे वो डॉक्यूमेंट दिख नहीं रहा। मैं एसआईडी या किम, दोनों किम में तो खैर नहीं था, या लेकिन एसआईडी में कहीं पे मुझे दिखा था स्लैश ओवरसीज इक्विटी स्लैश ईटीएफ लिखा था कहीं पर। तो एक बार आप भी चेक कर ले। सो यस, तो ईटीएफ का लिमिट सेपरेट है। ईटीएफ का लिमिट 1 बिलियन है, जो आप ईटीएफ चालू करके वो दैट इज पॉसिबल अभी के लिए। दैट इज पॉसिबल कि अगर हमने ईटीएफ चालू किया, इंटरनेशनल ईटीएफ चालू किया, तो वो अलाउड है। डायरेक्ट स्टॉक्स पे वो हाँ अलाउड नहीं है। तो ओके अभी के लिए हमारा ईटीएफ का कोई प्लान नहीं है, नहीं है। जो हम कर सकते हैं पर अभी प्लान नहीं है। हमको लगता है कि हमारी यूएसपी या हमारी कैपेबिलिटी इज पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग है, तो हम उसमें ही कॉन्सेंट्रेट करके उसमें ही फोकस करते हैं, और ईटीएफ में इतना हमको एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट नहीं है अभी। अच्छा, परफॉर्मेंस को लेके इसी फंड के परफॉर्मेंस पे कुछ सवाल हैं। एक लेट्स वॉच सुजॉय का सवाल है कि इसका रिटर्न 1, 3, 5, 7 साल में बेंचमार्क से और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से काफी बेहतर है, लेकिन ईयर टू डेट 1 month और 3 month और इनके हिसाब से कि पिछले बीते 6 महीने से ये निवेश कर रहे हैं आपके फंड में फ्लेक्सी कैप में, तो उसका अंडर परफॉर्मेंस की वजह क्या है? तो पहले तो अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 साल के कम दिखे नहीं रिटर्न्स। आई थिंक 5 ईयर प्लस, अगर जो हमारी कम्युनिकेशन वही है, अगर 5 साल के से कम आपको आपकी टाइम होराइजन नहीं है, तो बेटर इक्विटी या हमारे फंड में जो भी इक्विटी पे इन्वेस्ट करो, फिर वो डेट में रखो। 5 ईयर प्लस मनी जो है वो ही इक्विटी में रखो। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टॉक्स होने के कारण लास्ट 2 ईयर्स तो वो स्टॉक बड़े अच्छे गए हैं, पर लास्ट 2 महीने में वो थोड़े करेक्ट भी हो गए हैं। तो इसलिए आपको वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस थोड़ा कम लगेगा, पर मुझे लगता अगेन वो 3 या 6 महीने के लिए आप प्लीज मत देखिए। ये 5 प्लस ईयर का जो भी परफॉर्मेंस आपको देखना है जिसके भी फंड में, वो 5 ईयर प्लस या 3 ईयर प्लस एटलीस्ट परफॉर्मेंस देखिए इक्विटी में। शार्दुल गायकवाड़ जानना चाहते हैं कि आर दे कंसर्न अबाउट द राइजिंग एयूएम ऑफ द फंड, और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैन दे एंड विल दे इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम यूएस मार्केट। मुझे लगता है ये जब लिमिट बढ़ा दी जाएगी उसके बाद की बात कर रहे हैं। जी, तो अभी हमें नहीं लगता है कि फंड का साइज इतना बड़ा है यार, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो वो तो अभी इतना कुछ एक्चुअली यार, आई डोंट थिंक वो बिग डील है अभी। 20,000 करोड़ इज नॉट दैट बिग अ डील। अगर आप दूसरे फंड हाउसेस को देखें तो उनका इक्विटी एयूएम 1 लाख करोड़ प्लस है, जो ऑब्वियसली वो दूसरे स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 10 स्कीम में डिवाइड है, हमारा एक स्कीम में है, पर सेम इन्वेस्टमेंट तो वही स्टॉक्स में ही होते हैं। तो आई डोंट थिंक फंड साइज अभी के लिए प्रॉब्लम है। सेकेंडली हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हमको ग्लोबलाइज इंटरनेशनल बिजनेसेस पसंद है, और हमको वही कंट्री, अगर हम नॉर्थ अमेरिका,
वेस्टर्न यूरोप या डेवलप्ड एशिया में ही इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा। हम रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये सब एग्जॉटिक प्लेसेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टली हमने देखा है कि अगर लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है या पॉलिटिकल सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ भी नेशनलाइज हो सकता है, कुछ भी जो भी मन में आया किसी के वो हो सकता है। पर हमें चाहिए वही कंट्रीज या वही ज्योग्राफीज जहाँ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पे ध्यान रखा जाए, जहाँ लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जहाँ हमको बैलेंस शीट भी इंग्लिश में मिल सकती है जो हम पढ़ सकते हैं, कि हमको ट्रांसलेट वांसलेट नहीं करना है, बिकॉज यू नो यू कैन गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में बहुत सारी। तो यही तीन ज्योग्राफीज में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो भी अभी अब दिखा है कि रशिया इतना नीचे गया है, चाइना इतना नीचे, पर उसमें रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है हमारे लिए। अगर हम पब्लिक मनी इन्वेस्ट कर दे तो हमें हमें रात को नींद नहीं आएगी अगर ये ज्योग्राफीज में हमने इन्वेस्ट किए तो वील स्टिक टू द डेवलप कंट्रीज एंड जहाँ भी ग्लोबलाइज्ड कंपनीज है जो कंट्री स्पेसिफिक रिस्क नहीं उठा जाए। मतलब जैसे गूगल है जो पूरी वर्ल्ड में है, या गूगल या अमेजोन जो बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, तो अगर एक कंट्री में भी अगर रशिया में स्टॉप हुआ उनका बिजनेस तो वो बहुत मार्जिनल हो जाता है, यू नो वो दूसरे ग्लोबलाइज्ड कंट्री से पैसा ला सकते हैं। तो यही है स्ट्रेटजी हमारी। ओके हालांकि इसका जवाब आपने दिया, लेकिन एक बार फिर से अमी धार वाडकर जी का सवाल है कि अगर फॉरेन स्टॉक्स में निवेश की लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड? यस, सो क्लियरली जब तक लिमिट इंक्रीज नहीं हो सके हो जाए तो हम इंटरनेशनल स्टॉक्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 20,000 करोड़ का AUM है और अबाउट 30% फॉरेन स्टॉक्स में है। अभी सोचे अगर एक दो साल में कुछ नहीं होता है और हमारा AUM डबल हो जाता है, 20,000 का 40,000 AUM हो जाता है, तो वो इंटरनेशनल का एलोकेशन 15% पर आ जाएगा। तो वही होएगा, आई मीन दैट्स द पॉसिबिलिटी के अगर बहुत सालों या बहुत टाइम तक अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं बढ़ाई तो वो एलोकेशन कम हो जाएगा अगर एब्सोल्यूट फंड बढ़ जाएगा तो। एक सवाल थोड़ा हटके, क्योंकि मोटे तौर पे सारे सवालों के जवाब दे दिए, कुछ सवाल रिपीट हो रहे थे। अहमद परवेज जी का सवाल है, मेरी एक रिक्वेस्ट है मैम, मैनेजमेंट से बोलिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम करे, 1.81 है आपका रेगुलर का, 0.81 डायरेक्ट का। या सो ये फ्लेक्सी कैप के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप के बारे में ही बोल रहे हो, फ्लेक्सी कैप या तो तो बेसिकली हमने देखा है एक्सपेंस रेशियो में भी हमने थोड़ी स्टडी की है, तो डेफिनेटली हम चीपेस्ट नहीं है और चीपेस्ट होना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे भी एक्सपेंसेस रन करने के लिए हमको पैसा चाहिए। और अगर हमारे पास ये 20-30 स्कीम नहीं है जो हम मार्केट कर सकते हैं, एक ही स्कीम है तो हमारा चीपेस्ट भी नहीं है पर हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप देखिए हमारा एक्सपेंस वो राइट इन द मिडल है जी। दोनों में तो हम यही आई डोंट थिंक एक्सपेंस रेशियो की को कम करने का इतना इरादा है। एक्चुअली हमको लगा हमारा टैक्स सेवर में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है तो उसको हमने कम किया है एक्चुअली लास्ट मंथ ही। तो जहां भी हमको लगता है कि हम थोड़ा एक्सपेंसिव है तो हम ऑटोमेटिकली नीचे लाते हैं, पर फ्लेक्सी कैप में आई थिंक वी आर राइट इन द मिडल, तो अभी हाल फिलहाल में वो कम नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। थैंक यू सो मच नील, थैंक यू स्वाति जी, आज होली के दिन वक्त निकालने के लिए, नो प्रॉब्लम, मींस अ लॉट टू मी एंड माय सब्सक्राइबर्स। थैंक यू स्वाति जी एंड धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। हाँ जी, तो पूरी बात सुन ली, समझ में आई, तो अब आप नीचे कमेंट करिए और ये बताइए कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद आप क्या फैसला कर रहे हैं। क्या आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में निवेश जारी रखेंगे या फिर रोकेंगे, या फिर जो नया निवेश करना चाहते हैं वो करेंगे या नहीं। जो भी फैसला इस स्कीम से जुड़ा हुआ आपके जहन में आया है इस पूरे कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद, वो आप नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि वी विल बी चैनल आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में मदद कर रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।